गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं सभी लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं हिंदी का सेकेंड चैप्टर। आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब हिंदी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शब्दार्थ यानी शब्द और अर्थ, फिर उसके बाद चैप्टर को रीड करेंगे। तो चलिए सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक भी निकाल लीजिए और नोटबुक भी निकाल लीजिए। चलिए नोटबुक निकालिए और राइट करिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या राइट करना है, चैप्टर कौन सा है। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर टू। तो आप इस पे डालोगे पार्ट दो, ठीक है, क्योंकि हिंदी राइट कर रहे हो। सजा माफ, पार्ट का नाम क्या है, सजा माफ। चलिए अभी इसको पढ़ेंगे, पहले मीनिंग राइट कर लेते हैं। तो शब्द और अर्थ दिया गया है, ठीक है, ऐसे ही डाल के राइट करते हो आप लोग। तो पहले इधर शब्द लिखोगे, इधर अर्थ। क्रूर, क्रूर मीन्स होता है जालिम, ठीक है। आप देखोगे तो आपको चैप्टर के पीछे मीनिंग मिल जाएंगे, आपको पता भी है, आप वहां से भी राइट कर सकते हो, लेकिन राइट ऐसे ही करना है, ओके। निरंकुश मीन्स होता है मनमानी करने वाला। शासक मीन्स हो गया राजा। कारागार मीन्स जेल, ठीक है, जानते हो ना जेल आप लोग। अधीक्षक किसी विभाग का प्रधान अधिकारी, मतलब किसी कोई विभाग है तो वहां का अधिकारी, उसको बोलते हैं अधीक्षक। निर्दोष, जिसने कोई भूल ना की हो, जो कोई भूल नहीं करता उसको निर्दोष बोलते हैं। वास्तविक असली, ठीक है। जुर्म, जुर्म जुर्म मीन्स होता है अपराध, ठीक है, पाप करना या अपराध करना, ठीक है। उन्मुख, उन्मुख मीन्स हो गया जिसका मुख ऊपर की ओर हो, ठीक है, उसको उन्मुख बोलते हैं। दंडनीय, दंडनीय मीन्स होता है सजा के योग्य। विवश, विवश मीन्स हो गया मजबूर। भविष्य, भविष्य मीन्स आने वाला समय, जो आगे आएगा, कल वाला समय। मुफ्त, मुफ्त मुक्त मीन्स होता है आजाद, ओके, मुक्त है, मुक्त, मुक्त मीन्स आजाद। चलिए मीनिंग कंप्लीट कर लिया अब हम लोगों ने, अब करेंगे चैप्टर को रीड आउट, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर, चलिए चैप्टर का नाम क्या है, सजा माफ। पेज नंबर 8 निकालिए सभी लोग, क्लास फोर्थ के बच्चों, पेज नंबर 8 दिया गया है। अपने शासनकाल के शुरू के वर्षों में अशोक बहुत ही क्रूर, निरंकुश और अन्यायी राजा के रूप में माने जाते थे। यहाँ पर किसके बारे में दिया गया है, अशोक के बारे में, जब उनका शासनकाल चल रहा था, जब वो राजा थे, तो क्या थे वो, क्रूर थे, मतलब निर्दयी थे, ठीक है, निरंकुश थे, मतलब कभी भी किसी का भला नहीं करते थे, उनके ऊपर अंकुश लगा रहता था, ठीक है, अन्यायी राजा थे और अन्याय करते थे, उसके रूप में वो जाने जाते थे। कई युद्धों में विजय पाकर वह सम्राट बन गए, मतलब बहुत सारी युद्ध लड़ाई लड़ी, सेना बहुत अच्छी थी उनकी, तो उन्होंने क्या किया, विजय पाई, मतलब जीत पा जाते थे। कलिंग विजय के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया कर लिया, तो उसके बाद एक न्यायप्रिय, प्रजापालक, दयालु और कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। देखो कलिंग युद्ध हुआ तो उसमें ये विजय पा गए, ठीक है, कलिंग के विजय, विजय पा गए जब कलिंग में, तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया, बौद्ध धर्म होता है ना, धर्म जैसे हिंदू धर्म हो गया, ठीक है, मुस्लिम धर्म, वैसे ही बौद्ध धर्म को इन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद एक न्यायप्रिय, मतलब कि न्याय करने वाले हो गए, प्रजापालक, प्रजा की रक्षा करने वाले हो गए, उनका पालन करने वाले हो गए, दयालु भी हो गए और कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। फिर एक दिन सम्राट अशोक अपने राज्य का कारागार देखने गए। एक दिन क्या हुआ कि वो राज्य के कारागार को देखने गए, वहां उनकी दृष्टि चार कैदियों पर पड़ी। जब उन्होंने चार कैदी वहां देखे तो अधीक्षक से कहकर उन चारों कैदियों को अपने पास बुलवाया, अपने पास बुलवा लिया, ठीक है। चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, मेरे रीड करने के बाद आप लोग खुद रीड करोगे एक बार चैप्टर, ओके। पहले कैदी से उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों लाए गए, पहले कैदी से उन्होंने पूछा कि क्या हुआ ऐसा कि तुम्हें यहाँ कारावास हुआ, जेल हो गई। वह बोला, महाराज मैं निर्दोष हूँ, कहता है मैं निर्दोष हूँ, नगर सेठ के घर चोरी हुई, नगर कोतवाल वास्तविक चोर को पकड़ नहीं पाए। ऐसा हुआ, बोल रहे हैं कि नगर, जो नगर था उसमें सेठ के घर में चोरी हो गई थी, तो नगर के कोतवाल वास्तविक जो चोर था, जो रियल वाला चोर था, उसको नहीं पकड़ पाए। अपनी यही कमजोरी छिपाने के लिए उन्होंने मुझे पकड़ कर यहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया, यहाँ पहुंचा दिया। सम्राट ने दूसरे कैदी से कारागार में आने का कारण पूछा, जब दूसरे से पूछा तो वह बोला, महाराज मैं भी चोरी के जुर्म में यहाँ लाया गया हूँ पर बेकसूर हूँ, कहता है मैं भी चोरी के जुर्म में यहाँ लाया गया हूँ, चोरी का इल्जाम लगा है मुझ पर, लेकिन मैं भी बेकसूर हूँ, ठीक है। फिर नगर कोतवाल की मुझसे शत्रुता थी, कहता है नगर कोतवाल जो था, वहाँ का जो कोतवाल था, जो रक्षा करता था, ये सारी चीज़ें देखता था, तो उससे मेरी शत्रुता थी, उन्होंने बदला लेने के लिए यहाँ मुझे बंद कर दिया, बोल रहे ऐसा। फिर सम्राट तीसरे कैदी की ओर उन्मुख हुए, तीसरे कैदी से पूछा, ठीक है, तो कहता है महाराज मैं भी निर्दोष हूँ,
तीसरे कैदी ने कहा मैं भी निर्दोष हूँ, मैं नगर कोतवाल को रिश्वत ना दे सका, मैं उसको रिश्वत ना दे सका, परिणाम यह हुआ कि चोरी का अपराध मेरे सिर पर मर दिया गया। ठीक है, अब कहता है कि मैंने उसको रिश्वत नहीं दी तो उसने मेरे भी सर पर मर दिया, मतलब चढ़ा दिया अपराध, मेरे भी सर पर लगा दिया, मुझे भी अपराधी घोषित कर दिया। अपने सम्राट को प्रभावित करने के लिए तीनों कैदी झूठ बोल रहे थे। ठीक है, जो सम्राट था उसको प्रभावित करने के लिए, कि मतलब वो झूठ बोल रहे थे कि वो सोचे ऐसा प्रलोभित हो जाए, लोभित हो जाए कि नहीं अरे यार इन्होंने तो किया ही नहीं है, इन्हें तो कोई जुर्म नहीं किया है तो इसको अंदर क्यों रखा गया है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे थे कि हमें छोड़ दिया जाए। फिर अपने सम्राट को प्रभावित करने, चौथा कैदी अब तक सिर झुकाए खड़ा था, चौथा कैदी जो कैदी था वो अभी तक खड़ा था चुपचाप। सम्राट ने उससे पूछा और तुमने क्या किया? तो मैं क्या कहूँ महाराज, मैंने चोरी की, चोरी एक दंडनीय अपराध है। कहता है कि मैंने ही चोरी की और चोरी एक दंडनीय अपराध है, इसलिए मुझे सजा मिली, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो बुरे काम करता है उसके लिए उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, मतलब उसके किए की सजा उसको मिलनी ही चाहिए जो भी गलत काम करता है। सम्राट इस चौथे कैदी से बड़े प्रभावित हुए। ठीक है, क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल लिया था। ठीक है, तो तुमने चोरी क्यों की थी? बोलते हैं विवश होकर महाराज, कहते हैं विवश होकर महाराज। चौथा कैदी बोला मेरे पिता नहीं है, घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है, काफी समय तक मैंने काम की तलाश की पर मुझे कोई काम ना मिला, अचानक मेरी माँ बीमार हो गई, उनकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, उनकी जान बचाने के लिए मैंने एक वैद्य की दुकान से दवाइयों की चोरी की। ठीक है, उसने बता दिया कि क्या किया उसने, पर पकड़ लिया गया तो नगर कोतवाल ने मुझे कारागार में डाल दिया। ओके, जब पकड़ लिया गया, वैद्य के घर चोरी कर ली तो पकड़ लिया गया और नगर कोतवाल ने कारागार में डाल दिया। सम्राट ने कारागार के अधीक्षक से कहा इसे छोड़ दो, जिसने चोरी की थी और जिसने अपना जुल्म कबूल लिया था। क्यों कहा छोड़ दो? क्योंकि उसने अपना जुल्म कबूल लिया था, है ना, वो उसको एहसास था कि मैंने अपना जुल्म किया है, इसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि इसे छोड़ दो क्योंकि इसने व्यवस्था पूर्वक चोरी की, मतलब व्यवस्था में पढ़कर चोरी की है। ठीक है, ऐसे तो चोरी की नहीं है और इसे अपने किए का पछतावा भी है। ठीक है, इसने पछतावा भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने अपने बारे में सच सच बताया। ठीक है, जो भी था सब का सब सच बताया, इसने कोई भी झूठ नहीं बताया। चलिए, फिर सम्राट उस चौथे कैदी की ओर देखकर बोले यहाँ से मुक्त होने के बाद तुम राज दरबार में आना। कहते हैं कि यहाँ से मुक्त हो जाओगे जब तुम तो राज दरबार में आना, मैं तुम्हें दरबार में काम दूंगा ताकि भविष्य में तुम्हें ऐसा काम ना करना पड़े। अब ये भी हो गया, देखो उसको ऑफर भी मिल गया, उसने सही सही बोला, तो सभी को सच सच बोलना चाहिए। ओके, इससे क्या होता है, मान लो अभी होता है कि थोड़ी देर तो हमें दुख मिल सकता है। ठीक है, हम सोचते हैं कि यार सच बोल देंगे तो क्या हो जाएगा कि मतलब हमें दंड मिलेगा, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ी सी दंड मिल भी जाएगा लेकिन उसके बाद सारा कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आप झूठ बोल दोगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए फिर दूसरा भी झूठ बोलना पड़ेगा, तो उसको काम भी मिल गया। वो कहते हैं कि राज दरबार में आना यहाँ से छूटने के बाद और मैं तुम्हें काम दूंगा। कारागार के अधीक्षक ने उस चौथे कैदी को मुक्त कर दिया, सच्चाई के कारण उसकी सजा माफ कर दी गई, जबकि झूठ बोलने के अपराध में अन्य तीनों कैदियों की सजा और बढ़ा दी गई। ये लो, उन्होंने झूठ बोला तो और सजा बढ़ा दी गई। ये देखो आपकी वर्ड और मीनिंग दी गई है, मतलब शब्द बोध दिया गया है तो आप इनको राइट कर लोगे। हमने पहले भी राइट करवा दिया है, आप उसको भी राइट उससे राइट कर सकते हो या फिर यहाँ से देख के राइट कर सकते हो। चलिए, फिर इसके बाद चैप्टर को अच्छे से और रीड आउट कर दो, रीड कर लोगे। रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, अभ्यास करेंगे इसका, एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत ईजी होगी क्योंकि ये आपने समझ लिया और अच्छे से एक बार और पढ़ लेना है तो और समझ जाओगे, फिर उसके बाद तुरंत एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर अब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ओके।